सो हेलो कैरम लवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरम वर्ल्ड गेमिंग। तो यार कैसे हो सब भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। सो भाई लोग, आज मैं लेकर आया हूँ मुंबई एरिना वर्सेस न्यूयॉर्क स्क्वायर वर्सेस सिंगापुर प्लाजा का वीडियो, मतलब कि हम तीनों के तीनों टेबल के स्क्रीनशॉट्स दिखाने वाले हैं आपको। सो भाई लोग, हम तीनों टेबल्स में दो दो मैच खेलेंगे और सारे के सारे मैचेस में आप लोगों को ट्रिक शॉट्स तो देखने को मिलेंगे ही, और साथ ही साथ हम इस वीडियो में हमारे आने वाले वीडियोज आप लोगों के कमेंट में जो सजेशन आते हैं वीडियोज को लेकर, तो और आने वाले हमारे गिव अवेज वगैरह सब के बारे में बातें करने वाले हैं। तो यार वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग फुल एंड तक एंजॉय करना दोस्तों। और भाई लोग, अभी यहाँ पे एक ट्रिक शॉट है, आप लोग ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं उस अपर फ्रेम में चिपके हुए कॉइंस को कैसे पॉन शॉट मार के टॉप राइट वाली पॉकेट में कैसे पकड़ करता हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना मैं किस एंगल पे मार रहा हूँ। एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ, स्लो मोशन में जूम करके दिखा रहा हूँ भाई लोग, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि किस एंगल पे मारने से पॉन शॉट एकदम सही से लगता है। तो इसको बोलते हैं पॉन शॉट, और ये बोर्ड एकदम आराम से फिनिश हो चुकी है। हम एक और बोर्ड मुंबई एरिना पे खेलेंगे, फिर दो बोर्ड न्यूयॉर्क स्क्वायर, और फिर दो बोर्ड सिंगापुर प्लाजा में खेलेंगे। सो भाई लोग, गेम प्ले तो अभी चल ही रहा है, और मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के दिए हुए वीडियो सजेशंस को लेकर। सो भाई लोग, अपने चैनल पे अभी तक दो वीडियोज़ का बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है, और वो दो वीडियोज है श्री वर्सेस नाजिम हो गया एक को, तो नाजिम भाई के साथ गेम प्ले लाओ करके बहुत भाई लोग ने सजेस्ट किया है। तो और दूसरा है इंडिरेक्ट शॉट का पार्ट थ्री, ठीक है, इंडिरेक्ट फिनिशिंग शॉट्स का पार्ट थ्री। तो ये दो वीडियोज़ को बहुत ही सजेस्ट किया है अपने सब्सक्राइबर्स भाई लोग ने। तो भाई लोग, आप लोगों के सजेशंस को सुनते हुए मैंने नाजिम भाई के साथ बात भी कर चुका हूँ, और वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मंडे तक वो फ्री हो जाएंगे, अभी कुछ बिजी है पर्सनल काम में। तो यार अपने भाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक हफ्ते बाद आ जाएगा गेम प्ले का वीडियो, आप लोग टेंशन नहीं लेने का। और जो हमारा इंडिरेक्ट शॉट का पार्ट थ्री है, जिसका भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड आया था अपने भाई लोग से, तो उसका मैंने फाइनली यार उसका मैं वीडियो कंटेंट फाइनली कंप्लीट कर चुका हूँ, अब सिर्फ एडिटिंग बाकी है उसका। तो एक दो दिन में वो बहुत जल्द आ जाएगा इंडिरेक्ट शॉट का पार्ट थ्री वाला वीडियो, तो उसके लिए भी तैयार रहना भाई लोग। और नाजिम वर्सेस थ्री वाला वीडियो एक हफ्ता उसके लिए वन वीक तक वेट करना पड़ेगा भाई लोग, उसके बाद आराम से आ जाएगा वो वीडियो भी। और भी बहुत सजेशंस दिए हैं भाई लोगों ने, जैसे कि नो स्ट्राइकर मूविंग चैलेंज वाला वीडियो और रैंडम स्ट्राइकर वाला, ऐसे कुछ करके कुछ कमेंट्स आए उसके भी, तो वो भी मैं अभी सोच रहा हूँ और वो भी ले आऊँगा, लेकिन पहले श्री वर्सेस नाजिम और इंडिरेक्ट शॉट का पार्ट थ्री हो जाए, उसके बाद वो वीडियो भी देखेंगे भाई लोग हम। सो यहाँ पे अभी हम न्यूयॉर्क पे गेम प्ले कर रहे हैं भाई लोग, और यहाँ पे हमारा ओपोनेंट ने मिस्टेक कर दिया था, अब देखते हैं हम ये बोर्ड को फिनिश कर पाते हैं कि नहीं। तो भाई लोग, मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों का वीडियो सजेशंस के बारे में। अब दूसरी बात ये है कि अभी दिवाली आ रही है, तो कुछ तो स्पेशल तो करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, और इस दिवाली में आप लोगों के लिए दिवाली का स्पेशल गिव अवे आएगा। सो भाई लोग, इस बार का गिव अवे जो है कुछ अलग टाइप का होने वाला है, जहाँ पे मैं आप लोगों का आईडी दूंगा, और आप लोगों की आईडी से मैं खुद खेलूँगा, ठीक है, मैं खुद खेलूँगा, और अपने चैनल कैरम बोर्ड गेमिंग पे उसका गेम पे वीडियो भी अपलोड करूँगा आप लोगों का आईडी से खेला हुआ। तो कुछ लकी विनर चूज करके वहाँ से भी हम आप लोगों का आईडी का गेम प्ले अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, और हो सके तो थोड़े बहुत कॉइंस भी आप लोगों के आईडी में इंक्रीज कर दूँगा। और भाई लोग, ये तो गिव अवे की बात हो गई, और अब से मैं अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा गिव अवेज लाने की कोशिश करूँगा भाई लोग आप लोगों के लिए। तो अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं कैसे फंस गया हूँ थोड़ा सा, पहले हम इसको कट मार लेते हैं टॉप लेफ्ट में, इसको मैंने कट तो मार दिया, लेकिन अब यहाँ पे जो दो पक्ष बचे वो थोड़े से अल्टर बेट है, क्योंकि सारे जो ओपोनेंट का पक्ष जो है सारे पक्ष ने ब्लॉक कर दिया है, तो यहाँ पे मुझे दोनों पक्ष को इंडिरेक्ट खेलना पड़ेगा। और अभी आप लोग ये लास्ट शॉट देखना भाई लोग कैसा करके जाता है ये क्वीन, इसको मैं इंडिरेक्ट ही मारता हूँ, और इसको मैं सीधे पॉकेट में मारना चाहता था, लेकिन यहाँ पे जो है किस करके चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिरेक्ट किस शॉट हो गया ये, तो हालाँकि मैं इसको ऐसे मारना नहीं चाहता था, फिर भी हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो एक और न्यूयॉर्क जाएगा अभी, और उसके बाद दो सिंगापुर खेलेंगे भाई लोग अभी हम। सो यहाँ पे जो है हमारा ओपोनेंट ने ब्रेक लगा लिया है, और वो कोई भी अपने पक को पॉकेट नहीं कर पाया, तो अभी हम देखते हैं ये बोर्ड को हम कैसे खेलते हैं और इसको कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पे हमारा डबल पॉकेट शॉट हो गया है, और भाई लोग, आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा गेम प्ले, आप लोग कमेंट पे जाके
अपना फेवरेट शॉट भी बता सकते हैं। यहाँ पर मैं इंडिरेक्ट खेला क्योंकि ऐसे शॉट्स को इंडिरेक्ट खेलने से जो है स्ट्राइकर जो है वो पावरफुल आता है सेंटर की तरफ, ठीक है, तो पावरफुल आएगा और बीच में थोड़ा सा अपना पक्ष जो है ओपन हो जाएगा। अब भाई लोग आप यहाँ पर देखना ध्यान से, मैं इसको कैसे मारता हूँ, ये देखिए पहले तो नीचे वाले को किस कर गया और फिर इधर बाजू वाले को, ये डबल किस शॉट हो गया यहाँ पे। शॉट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ भाई लोग, और जो भी भाई लोग अपने चैनल पे नए हैं, जो पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं और जो भाई लोग ने हमारे चैनल कैरम बोर्ड गेमिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे भी सेट करके रखना भाई लोग। और यहाँ पे भाई लोग ये थर्ड पॉकेट शॉट आपको कैसा लगता है, इसको थर्ड पॉकेट शॉट बोलते हैं भाई लोग, और ये बोर्ड भी इजीली फिनिश हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं सिंगापुर प्लाजा का 1 मिलियन का गेम भाई लोग। तो अगर आप लोग भी कोई सजेशन देना चाहते हो कि मैं आगे फ्यूचर में कैरम बोर्ड से रिलेटेड किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ या किस टाइप का वीडियो लेकर आऊँ, तो कमेंट बॉक्स पे जाके आप लोग सजेशन दे सकते हैं मुझे, मैं सारे भाई लोगों का कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनको सारे को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर कुछ सवाल वगैरह पूछते हैं तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है भाई लोग। और जो मेरा इंस्टाग्राम पे भी अभी बहुत मैसेजेस कर रहे हैं भाई लोग, तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ दिनों से रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ सब भाई लोग को, किसी को रिप्लाई कर पा रहा हूँ और किसी को नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई लोग, मैं आज और कल 2 दिन में आप सारे भाई लोग को रिप्लाई कर दूंगा इंस्टाग्राम पे भी। तो अगर आप लोग मुझसे कैरम बोर्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, गेम से रिलेटेड कैरम बोर्ड से, तो आप लोग पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा, और अगर आप लोग डायरेक्ट इंस्टाग्राम लिंक चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हो। और भाई लोग अभी अपने फेसबुक पे 5000 प्लस फ्रेंड्स हो चुके हैं, तो मैं कुछ भाई लोग का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ फेसबुक पे, तो यार पूरा मत मानना आप लोग, क्या करें अब फेसबुक अलाउ नहीं कर रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने को, मोर देन 5000 फ्रेंड्स नहीं दे रहा है। अगर इसका कुछ हो सकता है सोल्यूशन तो मैं वो कर लूँगा, ठीक है, और नहीं हुआ तो आप लोग इंस्टा पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पर मैं सबको रिप्लाई देता हूँ भाई लोग। और आप भाई लोग एक गुड न्यूज़ तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया कि यार हमारे चैनल पे अभी यूट्यूब ने फाइनली स्टोरी टैब का फीचर इनेबल कर दिया है, तो यार ये बहुत अच्छी बात है, अब मैं स्टोरीज वगैरह भी डाल पाऊँगा। और अभी मैंने आज एक स्टोरी डाला है फर्स्ट स्टोरी, तो वो फनी है बहुत, आप लोग जाके देख सकते हो। और भाई लोग ये स्टोरी टैब हमको थोड़ा देर से मिला, लेकिन मिला तो सही, ये असल में 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे मिलता है यूट्यूबर्स को, लेकिन हमारा अभी 13K में मिला है, तो कोई नहीं, फाइनली यूट्यूब ने दे ही दिया हमें स्टोरी टैब। और भाई लोग आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।